करने के बाद हल्का सा इसको जो है पटासी ले ली भैया, और ये पटासी को ना 17 mm का ये कर लिए, उसके बाद इसको निकालने का। हाय गाइस, एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों, और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रीशियन चैनल। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है, हम लोग प्रोफाइल लाइट इंस्टॉलेशन करते हैं तो हर जगह का वीडियो आपको मिलता ही है। तो चलो आज कुछ अलग होने वाला है, प्रोफाइल लाइट कैसा लगाएंगे और इसका प्राइस रेटिंग क्या होता है मीटर में और कितने रुपये में मार्केट में मिल जाता है, उस मटेरियल के बारे में भी आपको बताएंगे इस वीडियो पर। कंटिन्यू बने रहिए। आपको फॉल्स लिंक पे हम लोग ग्रुपिंग कैसे करके हम लोग स्ट्रिप लगाते हैं, जैसे कि हम लोग का प्रोफाइल पट्टी कैसे चिपकाते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो पे न्यू आए दोस्तों चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसा ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहते। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों अभी हम लोग क्या ग्रुपिंग करा रहे हैं, आप लोग को पता है? नहीं पता तो वीडियो देख के तो समझ आ गया होगा। हम लोग अभी प्रोफाइल लाइट के लिए ग्रुपिंग चल रहा है, और ये देख सकते हो अभी ठेकेदार को भिड़ा दिए जो फॉल्स लिंक करने वाले हैं। और हम लोग जितने भी साइट का आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क में हम लोग प्रोफाइल लाइट लगवाना रहता है ना, तो हम लोग फॉल्स लिंक वाले से करवाते हैं। और ये जो है इनका काम है प्रोफाइल जो पट्टी है उसको ग्रुपिंग करके और चिपका के देना, और बाकी जो हम लोग का काम होता है जो स्ट्रिप लगाना, ड्राइवर लगाना, कनेक्शन करना, बाकी काम हमारा होता है, ठीक है? तो इसका मटेरियल कॉस्ट क्या होता है आपको इस वीडियो में जानना है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। 1 मीटर का कितने पैसा लेते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन का, इस वीडियो में आपको बताने वाले, और इसका सही तरीका क्या है लगाने का वो आपको इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो बने रहिए कंटिन्यू वीडियो पे। तो ये देखिए ग्रुपिंग चल रहा है अभी इसका प्रोफाइल लाइट का, और कितने एम एम का यूज करने वाले हैं, कितने एम एम का यूज होगा, 17 mm का प्रोफाइल पट्टी यहाँ पर लगने वाला है। और ये किस टाइप का डिजाइन रहेगा आप साइड पे देख रहे हो, उसी टाइप का एक डिजाइन बनने वाला है, ऐसा लंबे लंबे दो बनेगा, और एक रूम बेडरूम है ये, और बेड के ये वाले साइड देख रहे हो इसके सेंटर में ये लाइनअप हो रहा है ऐसा, ठीक। तो चलो बने रहिए वीडियो पे कंटिन्यू, आपको बताते हैं कैसा है इसको कर जाता है। इसी रूम पे प्रोफाइल लाइट लगने वाला है, और ये पीओपी वाले भैया लोग काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इनका क्या चल रहा है यहाँ पर बता दे भाई, प्रोफाइल लाइट के लिए कटिंग कर रहे हैं इन लोग, ठीक है? तो ये देख सकते हो दो भैया भीड़े हुए हैं, और ये पीओपी वाले भैया लोग हैं फॉल्सिंग जो किए हैं, और इसका ग्रुपिंग कर रहे हैं आप। तो चलो आपको बता देता हूँ, मार्किंग करने के बाद हल्का सा इसको जो है देख रहे हो ब्लेड से अभी इसको कटिंग करने वाले हैं। तो ये कैसा करेंगे इसको देखिए, 17 mm का करीब इसको ये कर लिए मेजरमेंट, और हल्का हल्का जिप्सन बोर्ड पे ये ब्लेड को चलाएंगे, और इसको जितना हम लोग को चाहिए 6 mm का गहरा चाहिए डीप, और इसका साइज चाहिए हम लोग को 17 mm का, ठीक है? और ये कॉलर वाला लगे विदाउट कॉलर नहीं, और ये देखिए एक पटासी ले ली भैया, और ये पटासी को ना 17 mm का ये कर लिए, उसके बाद इसको निकालने का तरीका देखिए, ठीक है? और इसको ज़्यादा नहीं करीब 6 mm निकालना है, और ये 10 mm का हमारा जिप्सन बोर्ड है, और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आपके घर पे भी लगाते हो तो जिप्सन बोर्ड को पूरा कटिंग नहीं कराना है, ठीक है? ऐसे इस तरीके से निकालना है इसको, और खुद ठेकेदार भीड़ा हुआ है फॉल्स लिंक करने वाले, तो इनको जानते ही होंगे हमारे वीडियो में, काफ़ी सारे वीडियो में देखे होंगे, और ये ऐसा ग्रुपिंग करेंगे। देखिए फाइनल हो चुका हम लोग का इस जगह का ग्रुपिंग, और उनको दे दिए प्रोफाइल पट्टी सैंपल के लिए, और ये देखिए एक ही बार में फाइनल कर दिए भैया। और ठेकेदार काम करने का अलग ही टेक्निक है, देख रहे हो एक बार हो गया तो अब इसको चिपकाना कैसा है, एरर लाइट डाल के चिपकाना है, मतलब ये है सही तरीका लगाने का। क्या करते हैं काफ़ी लोग को पता नहीं रहता है, इसको क्या करते हैं पूरा सीलिंग को काट देते हैं, तो इसका जिप्सन का जो है ना जो पेपर कटने के बाद जो इसका मतलब हेवी जो है नहीं हो मिलता अच्छे से, और पेपर कटने के बाद इसका जो है डैमेज हो जाता है, क्रेक मारता है, तो वो गलत तरीका है, उसमें भी लगा सकते हो आप। तो इसका ग्रुपिंग देखिए कितना काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रुपिंग किया है, करीब 6 mm का, और ये देखिए 10 mm का है तो 4 mm बचा हुआ है, और पेपर कटा ना ऊपर का तो ये 12.5 mm करीब अभी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, वहाँ से यहाँ कितना
एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो ग्रुपिंग आपको बता रहे थे ना, यहाँ पर 6 mm कटा हुआ है और ये बोले भैया ये 12 mm का ये जिप्सन बोर्ड है, हम लोग 10 mm का मेजर किए थे, तो ये देखिए अभी 6 mm और बचा है, कोई तकलीफ नहीं है और ये फाइनल हो गया। इसी तरीके से दोनों तरफ कटिंग होने वाला है, उसको चिपकाएंगे कैसे वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं, लंच टाइम हो गया तो लंच करके आएंगे अब, ठीक है। तो समझ रहे हो ये क्या है, ये है एरर लाइट और अभी प्रोफाइल पट्टी में अभी चिपकाने की तैयारी चल रहा है। और ये देखिए ये बीच लेयर पे यहाँ पर सेंटर में रखना है और साइड साइड में भी दे देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट जो है ग्रुपिंग किए ना, देख लो ये ग्रुपिंग किए, उसमें हम लोग को चिपकाना है। और एक साथ करने वाले थे फिर आज नहीं बनेगा, क्योंकि ये हम लोग का जॉइंट हो रहा है, क्योंकि ये 2 मीटर का है, 3 मीटर रहता है एक साथ, तो एक ही साथ हम लोग कंप्लीट आपको करके बताते हैं। और ये प्रोफाइल पट्टी का आपको बता देता हूँ, ये हम लोग का जो है मीटर है 65 रुपये मीटर पड़ता है ये, ठीक है। 2 मीटर है करीब, मार्केट में अवेलेबल है, आप कम प्राइस में भी मिलता है, लो क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का जो है अच्छे में मतलब 65-70 रुपये अपने को पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोफाइल 17 mm का। चलो इसको रेल लाइट लगाने दो, उसके बाद हम लोग इसमें चिपकाने वाले हैं। और साइड पे हम लोग सपोर्टिंग कैसे देंगे वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि एरर लाइट चिपकने के लिए एक दिन लग जाएगा हम लोग को। ये हो गया कंप्लीट और अभी देखिए ये जा रहा है चिपकाने के लिए। चलो दिखाते हैं, ये देख रहे हो ये है जगह उसका और ये पूरा चिपका के लगाने वाले हैं। तो देखिए पट्टी के अंदर हम लोग को लेके गया है, तो देखिए इसका जुगाड़ लटकाने के लिए साइड पे हम लोग को क्या करना है, एक स्क्रू लगा देना, जो POP स्क्रू जो इन लोग का काम होता है उसी स्क्रू पे। ये क्या कर रहे हैं, सपोर्टिंग के लिए खाली, ठीक है। उसके बाद ये कल सूखेगा ना तो इसको बाहर कर देंगे। चलो इसी तरीके से आप देख सकते हो ये प्रोफाइल पट्टी यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हो गया। तो अब एक एक फिट दो दो फिट के दूर में हम लोग को स्क्रू लगा देना, क्योंकि ये जो है बाहर गिर जाएगा ना, अभी चिपकने के बाद इसको निकाल दिया जाएगा। तो चलो कंप्लीट हो जाना, उसके बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग का जो है अच्छे तरीके से चिपक गया होगा। और अभी हम लोग नेक्स्ट दिन आए, नेक्स्ट दिन में हम लोग क्या लगाएंगे इसमें LED स्ट्रिप। तो यहाँ पर हम लोग का जो है करीब 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, करीब 5 मीटर के करीब लगाए। तो इसके लिए हम लोग को कौन सा LED स्ट्रिप लगाएंगे चलो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास रॉयल कंपनी का LED स्ट्रिप है यहाँ पर, ये तो हम लोग का सोरिस कंपनी का है, सॉरी। और ये जो है हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर 28-35 और ये 10 mm का उसका साइज और 240 LED बल्ब, ठीक है। तो ये हम लोग का 5 मीटर लग जाएगा। इसके लिए हम लोग 10 एम्पियर का ड्राइवर यूज करेंगे हेवी वाला, क्योंकि ये करीब 5 मीटर करीब लग रहा है, तो इसका रोशनी जो है यहाँ से हम लोग को जो ड्राइवर रखेंगे वहाँ पर। तो ये कितने का होगा अभी आपको बता दूँ, 600-700 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा ये। और ये ड्राइवर आपको हेवी वाला आपको देखने को मिला क्रिस्टियन कंपनी का, ये भी 600-700 रुपये करीब ये ड्राइवर मिलता है। तो आज की वीडियो में आपको प्राइस की रेटिंग में आपको बता दिए और इसका जो फिटिंग चार्ज वो भी हम आपको बताएंगे लास्ट पे। कंटिन्यू बने रहे वीडियो पे, तलो जी ये पॉइंट हम लोग करते हैं काम, ड्राइवर वहाँ रखेंगे। तो देखिए ये है LED स्ट्रिप में हम लोग वायर जोड़ दें, ये रेड और ब्लैक वायर, ये अपना वायर है। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे ड्राइवर जो LED के पास कभी रिपेयर कर सके। तो ये जो है स्ट्रिप जो है इसके अंदर से हम लोग को चिपकाते हुए लेके आना है। तो सबसे पहले हम लोग को ना छोटा सा होल करना है, क्योंकि वायर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है हम लोग को। तो देखिए ये वाले स्प्रिंग यहाँ छोटा सा होल है, उसके अंदर हम लोग डाल के ना यहाँ पर ले आए। अब हम लोग LED स्ट्रिप लगाएंगे इसके अंदर, तो इसको हल्का सा प्रेस करके यहाँ पर वायर को ले आएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ हमारा वायर पहुँच गया, तो ये स्प्रिंग के बदौलत पहुँचा है, ऐसे कहीं दूसरे में करेंगे तो दिक्कत जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का। उसके बाद आप देख रहे हो तेज की तरफ भी है, वहाँ से भी आएगा यहीं पर, ड्राइवर यहीं रखेंगे हम लोग। अब हम लोग स्ट्रिप चिपकाने वाले हैं, तो इसका स्टिकर जो है निकाल देते हैं बाहर, जितना का दरकार है उतना निकालना है, एक्स्ट्रा नहीं, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं दोबारा। और ये स्ट्रिप को चिपकाते कैसे हैं, प्रोफाइल के ऊपर ऐसा सेंटर लेना है, ठीक है, ऐसा उंगली से प्रेस करना है ऐसा हल्का हल्का, ये देखिए
और इसको कटिंग कैसा करेंगे वो भी आपको बताएंगे। चलो उसको लेके चलते हैं वहाँ पर, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसको लेके जाना है कुछ सीधा स्ट्रेट ऐसा ही। ये देखिए ये मेजरमेंट कर दिए हम लोग, और इसको कटिंग करने के लिए कटर चाहिए हम लोग को। और कटर का मार्किंग देख रहे हो कितने सारा है, वो सभी में हम लोग कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हर एलईडी दो दो छोड़ के बाद आईसी लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको फिर से वहाँ तक लास्ट तक चिपकाएंगे, और इसके बाद हम लोग का जो है इसका डिफ्यूज़र कैसा लगाएंगे वो भी आपको नहीं। ये स्क्रू देख रहे हो छोटा छोटा ब्लैक कलर का, वो बाद में हम लोग खोल देंगे इसको, ठीक है। तो अभी पहले पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद करेंगे इसको। देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रिप लग गया हम लोग का कम्प्लीट, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं, आपको वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करेंगे। और इसका डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र इसके बाद हम लोग लगेंगे, ठीक है। उधर से कोने तरफ से निकालते हुए लाते हैं लगा। अभी देखिए अब डिफ्यूज़र लगाने वाले हैं। डिफ्यूज़र लगाने का काफ़ी आसान तरीका है, फिर दिक्कत जाता है कहीं कहीं जगह। ये देखिए, ये आपको बता दूं, ये सही तरीके से जो हमारा जो है अल्मुनियम पट्टी लगेगा ना, तो ये अच्छे तरीके से ये फिटिंग हो जाता है। देखिए कितना आसानी से हाथ से कर ले रहे हैं, फिर बहुत मेहनत लगता है। आप लोग देखे होंगे काफ़ी सारे वीडियो में, हम लोग को बहुत दिक्कत जाता है प्रोफाइल ये डिफ्यूज़र लगाने में। देख रहे हो कितना आसानी से लग रहा है, आराम से ऐसा, ठीक है। उसके बाद सब काम ख़त्म होने के बाद ये ब्लैक कलर का स्क्रू देखने को मिलेगा, जो हम लोग इसको चिपकाने के लिए लगाए थे ना, उसको हम लोग बाहर कर देंगे। और ये हो गया डिफ्यूज़र अच्छी तरीके से फिटिंग, इसको पूरा कोने तक लेके जाएंगे वहाँ सेंटर तक, ठीक है। तो चलो ये वाला कंप्लीट कर देते हैं, वैसा वहाँ का वायर लेके यहाँ लाएंगे, उसके बाद आपको ऑन करके दिखाएंगे। ये देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया, और इसका पीओपी स्क्रू जितना भी था ना, ये हम लोग खोल चुके हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इस तरीके से फिनिशिंग, इसको टचअप करना बचा है। और इसको कलर करना है ना, तो पहले एब्रो टेप लगा देना, उसके बाद इसके ऊपर कलर करना, नहीं तो ये डिफ्यूज़र पूरा ख़राब हो जाएगा। तो जैसा उधर का किए वैसे इधर का करना है, बस यहाँ से यहाँ डीसी वायर लेके जाना है हम लोग को ड्राइवर के पास, ठीक है, जो एसएमबी से है वहाँ पर लेके जाएंगे। तो जैसा ये किए वैसे इधर का भी करेंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, करके आपको दिखाते हैं। और नाइट को इसका जो है लुक जो है कैसा आ रहा है और कैसा रिव्यू है वो भी आप देखिए। ये है ड्राइवर, और अभी हम लोग इसका कनेक्शन करने वाले हैं। इसमें काफ़ी सिंपल है, ये देखिए यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है, एल एन और अर्थिंग का। और ये हम लोग का आउटपुट है, जहाँ पर माइनस प्लस दिया गया है। और ये देखिए ये वाला हमारा मेन लाइन है रेड और ब्लैक, और ये देख रहे हो इसको आउटपुट है हमारा, एक एक एलईडी स्ट्रिप का ये है और एक एलईडी स्ट्रिप का ये है। तो दोनों को यहाँ पर प्लस माइनस जोड़ना है, ये रेड वाला माइनस नहीं प्लस करेंगे ये वाला, और ये वाला जो येल्लो वाला इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको पहले छील देते हैं, उसके बाद ज्वाइंट करते हैं इसको। ढक्कन लत खोल रहे बाबा, आँखी के है अंधरा। ये देखिए ये आउटपुट वाला पहले जोड़ते हैं, रेड वाले हम लोग का प्लस में और ये येल्लो वाला माइनस पे। वैसे यहाँ पर रेड और ब्लैक है, तो इसको जो है बैलेंस बांट के करना है, क्योंकि चार टर्मिनल है ना, तो चारों टर्मिनल पे हम लोग को कनेक्ट कर देना है। ये वन पे हम लोग का प्लस पे जुड़ गया रेड वायर, और ये माइनस पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये 10 एम्पियर का ड्राइवर है, हेवी ड्राइवर। और ये नॉर्मल मार्केट में मिलता ही है, वो बिल्कुल मत लगाना, वो काम नहीं आता है, SMBs भी बोलते हैं। और इसको हम लोग कनेक्शन कर दिए, इसका आउटपुट वायर देख सकते हो, इसको टेप लगा देंगे यहाँ पर और इनपुट लाइन जोड़ते हैं। और हल्का सा आपको झलक देखेंगे बाद में, शाम होने के बाद आपको इसका लुक देखेंगे कैसा आता है रूम पे प्रोफाइल लाइट का। तो ये इनको कनेक्ट करना है यहाँ पर, प्लस माइनस कोई से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको फेस न्यूट्रल देना है अपने को, इसी बात डीसी बन जाएगा ये कनेक्ट कंप्लीट। अब देख सकते हो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको वायरिंग समझ आ जाएगा। और आपको इसका छोटा सा एक मिनट में वीडियो देखना है प्रोफाइल लाइट कैसा लगाया जाता है, हमारी यूट्यूब चैनल एक और है न्यू चैनल, वहाँ पर कमलेश इलेक्ट्रिकल शॉर्ट चैनल के नाम पे बना हुआ है, एक मिनट में आपको पता चल जाएगा प्रोफाइल लाइट कैसा लगाया जाता है। तो चलो ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, अभी हल्का सा ऑन करके देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। रेड वाला वायर जोड़ दो फेस में। तो देखिए दोस्तों ये हम लोग का प्रोफाइल लाइट वर्क कर रहा है, उधर भी दिखा दे भाई, ये देखिए दोनों तरफ जल रहा है अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है,
ठीक है। तो चलो ये तो दिन को है, ये अभी मजा नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे इसको बंद करते हैं और आपको स्विच बोर्ड फिटिंग कर लेते हैं इस रूम का कंप्लीट करके, उसके बाद आपको दिखाएंगे शाम के समय यहाँ का रोशनी कैसे मिल रहा हम लोग को प्रोफाइल लाइट। तो चलो ये जब ड्राइवर लोग को क्या करेंगे इसको अंदर डाल देते हैं, इसको रखने के लिए पहले जगह बनाना है, उस हिसाब से आप लोग को काम करना है, ठीक है। हर समय आपको पता ही हम लोग एलईडी के पास रखते हैं ताकि काम करने में आसानी हो जाए। तो चलो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था फाइनली हम लोग का नाइट हो गया, इस रूम का कंप्लीट कर दें स्विच बोर्ड भी, और प्रोफाइल लाइट का हम लोग रिव्यू देखने वाले हैं कैसा अच्छा लग रहा है, लुक आ रहा है कि नहीं। तो लाइट लोग को बंद करते हैं और देखते हैं यहाँ का रोशनी कैसा मिल रहा है। देख रहे हो, समझ गए होंगे ये प्रोफाइल लाइट का रोशनी है, बाकी को बंद करते हैं और आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है रूम पे लगने के बाद। तो ये आप भी अपने रूम पे लगा सकते हो, प्रोफाइल लाइट काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसका रोशनी भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, और ये वॉम वाइट है, नेचुरल वाइट भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, फिर वॉम वाइट काफ़ी सुंदर लग रहा है। सीलिंग पे नेचुरल वाइट और वॉम वाइट लगाते हैं और आप देख सकते हो वाइट कम यूज करते हैं, और ये सुंदर देखिए काफ़ी लुक आ रहा है रूम पे, और सभी लाइट ऑन करने के बाद भी कुछ रोशनी भी मस्त दिखता है देखिए। तो ये लाइनअप जो रोशनी है ना काफ़ी सुंदर लगता है। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा, और इसका प्राइस रेटिंग आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, हम लोग 300 रुपया इसका मीटर लेते हैं, पर मीटर 300 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज, और पीओपी वाला उसका कटिंग का वो सामने वाला पार्टी से अलग से पैसा ले लेता है, ठीक है। तो 1 मीटर का 300 रुपया हम लोग मीटर लेंगे प्राइस, और यहाँ पर लग गया हम लोग का करीब 5 मीटर, तो आप हिसाब कर सकते हो उस हिसाब से, काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना, तो आज की वीडियो में आपको डाउट क्लियर हो गया। तो चलो दोस्तों यहीं पर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों चैनल को लिए सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसा से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।